हेलो, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी 54 मैनपुरी। डियर फ्रेंड्स, देखिए प्रीवियस वीडियो में मैंने आपके लिए मेजरमेंट सब्जेक्ट में एमीटर एंड वोल्ट मीटर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करवाए थे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पीएमसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए पीएमसी इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज्ड एज एमीटर एंड एज वोल्ट मीटर विद द हेल्प ऑफ। ठीक है, देखिए मैंने आपको जब एमीटर एज ए वोल्ट मीटर पीएमसी की जो वीडियो पढ़ी है उसको आप देख लेना, वहाँ से अच्छे से समझ में आ जाएगा। बताया था कि जब आप एज ए एमीटर यूज करते हैं तो डियर फ्रेंड्स कुछ आप ऐसे फिगर बनाते हैं और इसके इसके संट में एक रेजिस्टेंस लगाते हैं। लो रेजिस्टेंस जो है वो संट में लगाते हैं और हाई रेजिस्टेंस सीरीज में लगाते हैं जब वोल्ट मीटर के जैसे यूज करते हैं तब। ओके, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अगर आपको ये टॉपिक और अच्छे से डिटेल में समझना है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो जो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं मेजरमेंट के। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर हैज़ ए रेजिस्टेंस ऑफ ए 4 ओम। ठीक है, कितना दिया है गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस? 4 ओम एंड गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन, फुल स्केल डिफ्लेक्शन व्हेन कैरिंग 30 मिली एम्पियर। ठीक है, देखिए फुल स्केल डिफ्लेक्शन जो करंट है वो दी है 30 मिली एम्पियर। द इंस्ट्रूमेंट्स कैन बी यूज टू मेजर 150 वोल्ट्स। फुल स्केल डिफ्लेक्शन वोल्टेज क्या दी है? 150 वोल्ट। ठीक है, वाई कनेक्टेड इन सीरीज विद द इंस्ट्रूमेंट ए रेजिस्टेंस ऑफ। ठीक है, रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखिए आपको समझाते हैं ये क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए क्या है क्वेश्चन, आपको वैल्यू गिविन क्या क्या है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर दिया है आपका 4 ओम। ठीक है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट दी है आपकी 30 मिली एम्पियर। इसे आप एम्पियर में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा? 30 × 10⁻³ एम्पियर। अब ये वैल्यू आपकी एम्पियर में आ गई। ठीक है, अब वोल्ट मीटर की रेंज 150 वोल्ट गिवन है। अब देखिए आप जब आर की वैल्यू निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे? तो एक V इक्वल टू आई आर एक सिंपल फार्मूला होता है, इसी में से आपको R डिफाइंड करना है, यानी कि V अपॉन I फार्मूला लगाना है। ठीक है, क्या लगाएंगे आप? V अपॉन I। अब V अपॉन I यानी कि V क्या दिया है आपका? 150 वोल्ट, और I क्या है आपका? I है आपका 30 मिली एम्पियर, या फिर मिली एम्पियर में लगाइए या फिर एम्पियर में लगाएंगे तो 30 × 10⁻³ एम्पियर। ठीक है, आप देखिए जब आप 0 से 0 कैंसिल आउट, 3 × 3 = 3, 5 = 15, कितना आ गया आपका? 3, 5। ओके, ऊपर 5 आया है, यानी कि 5 और ऊपर ये 10⁻³ है तो ऊपर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, यानी कि 5 × 10⁻³। अब इसे आप खोल कर लिखेंगे तो ये 5000 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपको पूछा क्या है डियर फ्रेंड्स, आपको आपने रेजिस्टेंस डिफाइंड कर लिया, अब आपको पूछ रहा है कि जो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस है टू बी कनेक्टेड इन सीरीज, जो सीरीज में आपने रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया है उसकी वैल्यू को डिफाइन करना है। तो जो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है वो, और उसमें से आप जो रेजिस्टेंस गिवन है एज आपने ये निकाला है उसको माइनस कर, जो रेजिस्टेंस आपका गिवन है गैल्वेनोमीटर का उसे आप माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए डियर फ्रेंड्स यहाँ पर फॉर्मूला गलत है, यहाँ पर आप लिखेंगे R-RG। ओके, R-RG फार्मूला आपका राइट फार्मूला है। अब देखिए आर की वैल्यू आपकी 5000 निकल कर आई है और माइनस 4 क्या है? गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है, जब इसमें से आप 4 घटा देंगे तो आपका 4996 ओम
ये आपका राइट आंसर आएगा। डियर फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है और देखिए इस हिसाब से इसका राइट आंसर जो है वो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन याद रखना है, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, इफ़ द टॉर्क टू वेट रेशियो ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज लो देन इट कैन बी कनेक्टेड दैट। ठीक है, क्या पूछा है कि अगर टॉर्क टू वेट रेशियो जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट का कम है तो जो है वो क्या कंक्लूड करेगा। ठीक है, क्या कंक्लूड आप करेंगे उसमें। तो देखिए इसका राइट आंसर है, अगर आपके किसी भी इंस्ट्रूमेंट का टॉर्क टू वेट रेशियो कम है, इसका मतलब होता है कि उसकी सेंसिटिविटी ऑफ द वोल्ट मीटर भी कम है। मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको टॉर्क टू वेट रेशियो पढ़ाया था उसमें आपको समझाया था कि अगर किसी इंस्ट्रूमेंट्स का टॉर्क टू वेट रेशियो लो होता है तो उसकी सेंसिटिविटी भी लो होती है डियर फ्रेंड्स। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये रिलेशन याद रखना है और यहाँ से क्वेश्चन अक्सर बनता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका, फोर नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन काउज ऑफ मैग्नेटिक डिके इन पीएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, जो पीएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट्स है उनका उसका मैग्नेटिक डिके जो होता है उसका मेन कारण क्या है। ठीक है, वेरिएशन इज द रेजिस्टेंस ऑफ, रेजिस्टेंस में इसके कारण वेरिएशन भी होता है, उसका मेन कारण पूछा है। ठीक है, तो देखिए इसका मेन कारण जो है वो डियर फ्रेंड्स बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये एजिंग का क्वेश्चन है, एजिंग ऑफ द मैग्नेट। ठीक है, मैग्नेट्स में अगर एजिंग होता है तभी, देखिए मैंने अभी आपको एजिंग का टॉपिक नहीं पढ़ाया है इसीलिए इसको हम डिटेल में यहीं पर समझ लेते हैं। देखिए एजिंग होता क्या है एक्चुअल में डियर फ्रेंड्स, द बेसिक सोर्सेस ऑफ एरर्स इन पीएमसी इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, क्या है, देखिए जो बेसिक आपके सोर्सेस हैं वो एरर्स के कारण जो पीएमसी में बेसिक आपके सोर्सेस हैं वो इंस्ट्रूमेंट्स आर फ्रिक्शन, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो फ्रिक्शन, टेम्परेचर एंड एजिंग ऑफ वेरिएशन पार्ट्स। जितने भी आपके पार्ट्स हैं पीएमसी इंस्ट्रूमेंट्स में उसमें फ्रिक्शन जो इंस्ट्रूमेंट्स है उसका फ्रिक्शन, टेम्परेचर एंड जो भी वेरिएशन पार्ट्स हैं उनमें एजिंग होना यानी कि एरर होना। ठीक है, द रिड्यूस द फ्रिक्शनल एरर, जो फ्रिक्शनल एरर है उसको कम करने के लिए रेशियो ऑफ टॉर्क टू वेट रेशियो इज मेड वेरी हाई। टॉर्क टू वेट रेशियो को क्यों हाई रखते हैं डियर फ्रेंड्स, क्योंकि उसमें जो फ्रिक्शनल एरर है उसको कम से कम हम कर सकें, क्योंकि हमें पीएमसी इंस्ट्रूमेंट्स में कोई भी फ्रिक्शनल एरर नहीं चाहिए। अगर उसमें फ्रिक्शनल एरर होगी तो हमारा पॉइंटर जो है वो एक एक्यूरेट वैल्यू को डिफाइन नहीं कर पाएगा, इसलिए हम फ्रिक्शनल एरर को कम करने के लिए ही टॉर्क टू वेट रेशियो को हाई रखते हैं। मैंने आपको एक सीक्वेंस लिखवाया था कि पीएमसी इंस्ट्रूमेंट्स का सबसे ज़्यादा टॉर्क टू वेट रेशियो होता है, क्यों होता है ये रीज़न भी बताया था। अगर आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ना है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड एज द एडवांटेजेस ऑफ मूविंग कॉयल परमानेंट मैग्नेट टाइप इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ये जो लिखा है मूविंग कॉयल परमानेंट मैग्नेट टाइप, इसका मतलब ही है PMMC। ओके, इसका मतलब भी PMC टाइप इंस्ट्रूमेंट्स ही है डियर फ्रेंड्स, आपको याद रखना है। देखिए आपसे पूछ क्या रहा है कि एडवांटेजेस हैं कुछ आपके, उसमें से PMC का एडवांटेज कौन सा नहीं है, ये इसका राइट आंसर है बी। देखिए डियर फ्रेंड्स, बी राइट आंसर क्यों है, दे हैव लो टॉर्क टू वेट रेशियो इसमें दिया है, जबकि हमारे पीएमसी इंस्ट्रूमेंट्स का टॉर्क टू वेट रेशियो इज़ वेरी हाई। ओके, बहुत ज़्यादा होता है और यहाँ पर क्या दे दिया है लो, इसलिए ये आपका नहीं एडवांटेज के एडवांटेजेस में के पॉइंट्स में ये नहीं आता है, इसलिए ये आपका क्या है राइट आंसर है, क्योंकि इसमें पूछा है कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड। ओके,
इसलिए आपको यहाँ पर मिस्टेक नहीं करना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ डैम्पिंग टॉर्क इज नॉट प्रोवाइडेड इन एन इंस्ट्रूमेंट। देखिए पूछ रहा है कि अगर डैम्पिंग टॉर्क प्रोवाइड नहीं किया जाता है किसी इंस्ट्रूमेंट्स में तो वहाँ पर क्या होता है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या होगा डियर फ्रेंड्स, अगर आप किसी इंस्ट्रूमेंट्स में डैम्पिंग टॉर्क प्रोवाइड नहीं करवाएंगे। मैंने आपको डैम्पिंग टॉर्क जब पढ़ाया था तो उसके बहुत सारे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बताए थे। अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, देखिए डैम्पिंग टॉर्क के बारे में, द पॉइंटर बेल ऑक्सीलेट अबाउट इट्स फाइनल डिफ्लेक्टेड पोजिशन फॉर क्विट सम टाइम बिफोर कमिंग टू रेस्ट। पूछ दिया है कि अगर किसी भी इंस्ट्रूमेंट्स को अगर आप डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोवाइड कराना बंद कर देते हैं तो वहाँ पर क्या कंडीशन आएगी कि जो पॉइंटर है वो ऑक्सीलेट करेगा। पॉइंटर इस तरह से ऑक्सीलेट करेगा, ये ऑक्सीलेट करेगा, बट इट्स फाइनल डिफ्लेक्टिंग पोजिशन, इसकी जो फाइनल डिफ्लेक्टेड पोजीशन है उसके लिए ये कुछ समय पहले ही ये क्वाइट हो जाएगा, यानी कि रुक जाएगा। इसकी जो आपकी एक्चुअल वैल्यू यहाँ पर है तो ये यहाँ पर रुक जाएगा। ठीक है, कुछ टाइम पहले ही ये रेस्ट कंडीशन में आ जाएगा अगर आप डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोवाइड नहीं करवाते हैं तो। ठीक है, तो इसलिए हमें एक्चुअल पोजीशन पर पॉइंटर को लाने के लिए ही डिफ्लेक्टिंग टॉर्क वहाँ पर नेसेसरी होता है। ठीक है, इसमें किसी भी इंस्ट्रूमेंट्स में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ वॉट मीटर कैन नॉट बी यूज्ड फॉर डीसी। किस टाइप का जो वॉट मीटर होता है वो आप डीसी के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। तो देखिए जब मैं आपको वॉट मीटर पढ़ाऊंगी तो उसमें बहुत ज़्यादा अच्छे से डिस्कस करके पढ़ाऊंगी, बट यहाँ पर ये क्वेश्चन मैंने ले लिया है तो इसे समझ लीजिए। जितने भी इंडक्शन टाइप आपके वॉट मीटर होते हैं उनमें आप डीसी यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डियर फ्रेंड्स इंडक्शन का मतलब ही क्या है, जहाँ पर आपकी क्वाइल्स यूज होंगी, और क्वाइल्स में आप डीसी अप्लाई नहीं दे सकते हैं। क्वाइल्स का मतलब है इंडक्टर, और इंडक्टर में आप डीसी नहीं अप्लाई करते हैं, ओनली एसी अप्लाई करते हैं, क्योंकि हमारी जो क्वाइल्स होती हैं वो कुछ स्प्रिंग टाइप से बनी होती हैं और इनमें ओनली एसी ही अप्लाई होती है। अगर आप डीसी अप्लाई करेंगे तो इसका जो वेव फॉर्म है वो आपको एक प्रॉपर वेव फॉर्म नहीं मिल पाएगा, और वहाँ पर आपके ढेर सारे हार्मोनिक्स प्रोड्यूस हो जाएंगे, और हार्मोनिक्स की वजह से आपका जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होगा या जो भी मशीन होगी वो डैमेज हो सकती है। ओके, इसलिए आप इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट्स में डीसी अप्लाई नहीं करते हैं। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मेजरिंग सिस्टम कंसिस्ट ऑफ। ठीक है, क्या पूछ रहा है कि जो जितने भी एक मेजरिंग सिस्टम है कंसिस्ट ऑफ, कैसे कंसिस्ट होता है, किस टाइप से कंसिस्ट किया जाता है। तो देखिए एज ए कैसे सेंसर्स के फॉर्म में, ठीक है, वेरिएबल कन्वर्जन एलिमेंट्स के फॉर्म में, और सिग्नल प्रोसेसिंग एलिमेंट्स के फॉर्म में, ऑल ऑफ दिस। तो देखिए इसका राइट आंसर आपका है डी। ठीक है, राइट आंसर डी यानी ऑल ऑफ दिस। क्यों है, क्योंकि आप कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसमें उसको कैसे कंसिस्ट कर सकते हैं, एक सेंसर्स के फॉर्म में भी, क्योंकि कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होगा वो किसी भी वैल्यू को आपको दिखाएगा, शो करेगा। शो कराने का मतलब है वहाँ पर कुछ सेंसर्स लगे हैं, सेंसर लगे होंगे अंदर, तभी तो वैल्यू को सेंस करेगा। ठीक है, और क्या दिया है दूसरा पॉइंट, वेरिएबल कन्वर्जन एलिमेंट्स के फॉर्म में। वेरिएबल कन्वर्जन का मतलब है कोई भी आपके जो वैल्यू है जिसको वो मेजर करेगा उसको एज ए वेरिएबल यानी कि वैल्यू को चेंज करता रहता है, सम टाइम आफ्टर सम टाइम इज रेस्ट कंडीशन, कुछ समय के बाद वो रेस्ट कंडीशन में आता है तब आपकी एक्चुअल वैल्यू को शो करता है। इसलिए बी भी सही है, ए भी सही है। सी की बात कर लेते हैं, सिग्नल प्रोसेसिंग एलिमेंट्स के फॉर्म में।
देखिए, कोई ऐसा भी मेजरिंग सिस्टम हो सकता है, कोई इंस्ट्रूमेंट्स ऐसा भी हो सकता है जिसमें आपके सिग्नल के फॉर्म में आपको वैल्यू शो आउट हो, इसलिए आपका सी ऑप्शन भी सही है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पॉइंटर ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट्स वंस डिफ्लेक्टेड रिटर्न्स टू जीरो पोजीशन व्हेन द करंट इज रिमूव्ड ड्यू टू। ठीक है, क्या पूछ रहा, क्या बोल रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि एक इंस्ट्रूमेंट्स के पॉइंटर को अगर एक बार डिफ्लेक्ट होने के बाद वो एक जीरो कंडीशन पर आ जाता है, जीरो पोजीशन पर आ जाता है। इस तरह का आपका स्केल है, ये जीरो, ये पॉइंटर है। तो देखिए, कुछ टाइम वो इधर मूव हुआ, फिर वो रेस्ट कंडीशन जीरो पर आ गया, बस। द करेंट इज रिमूव्ड ड्यू टू, और करेंट जो है वो रिमूव्ड हो गई, यानी कि कुछ करंट यहाँ पर थी आपकी, मान लिया कि 4 एम्पियर थी, बट वो रिमूव होकर 0 एम्पियर पर आ गई। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ? इसको आप सही करने के लिए आप क्या करेंगे, किसके कारण ऐसा हुआ, ये जीरो क्यों हो गई? ठीक है, तो मैंने आपको एक पॉइंट पढ़ाया था डियर फ्रेंड्स, जहाँ पर आपको पॉइंटर के बारे में पढ़ाया था कि अगर किसी भी इंस्ट्रूमेंट्स का पॉइंटर का जो स्प्रिंग होता है वो टूट जाता है, और स्प्रिंग के टूटने से आपका कंट्रोलिंग टॉर्क जो है वो जीरो हो जाता है, और कंट्रोलिंग टॉर्क के जीरो होने की ही वजह से पॉइंटर जीरो पोजीशन पर आ जाता है। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। ए में क्या दिया है? एक्शन ऑफ ग्रेविटी। बी में क्या दिया है? मास ऑफ द पॉइंटर्स, या फिर सी में दिया है कंट्रोलिंग टॉर्क, और डी में दिया है डैम्पिंग टॉर्क। तो देखिए, कंट्रोलिंग टॉर्क इज द राइट आंसर, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही है। क्यों सही है? मैंने अभी बता दिया कि कंट्रोलिंग टॉर्क के ही कारण, कंट्रोलिंग टॉर्क आपका रिमूव हो जाएगा तो करंट भी वहां पर जीरो हो जाएगी, यानी करंट भी रिमूव हो जाएगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? सी ऑप्शन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, एंड लास्ट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल विल बी प्रिफर्ड एज ए संट फॉर एक्सटेंडिंग द रेंज ऑफ मेजरमेंट ऑफ ए बोल्ट मीटर। ठीक है, आप क्वेश्चन पूछ रहा है कि दिए गए जो ऑप्शन है उनमें से आप किस टाइप के मटेरियल का यूज करते हैं जब आप एज ए बोल्ट मीटर रेंज को बढ़ाते हैं। ठीक है, जब आप ए संट, एक संट रेजिस्टेंस को लगाने के बाद आप रेंज को बढ़ा, एक संट रेजिस्टेंस को लगाने के बाद आप क्या करते हैं, रेंज को बढ़ाते हैं एज ए बोल्ट मीटर। तो चलिए, आप कौन से यूज करते हैं, मटेरियल कौन सा यूज करते हैं डियर फ्रेंड्स संट रेजिस्टर के लिए? संट रेजिस्टर के लिए आप मैग्नीन यूज करते हैं। मैंने जब आपको वहाँ पर पढ़ाया था तो आपको बताया था, जो RH लगाते हैं उसके लिए हम मैग्नीन यूज करते हैं। ठीक है, आप यानी कि राइट आंसर आपका डी होगा। देखिए डियर फ्रेंड्स, आपके लिए आज मैंने बहुत ही अच्छी और बहुत ही इंटरेस्टिंग कुछ मोटिवेशंस लाइन ली हैं जो APJ अब्दुल कलाम जी की लिखी हुई हैं। चलिए देख लेते हैं क्या उन्होंने बोला है। अपनी पहली सफलता के बाद विश्राम मत करो, क्योंकि अगर आप दूसरी बार में असफल हो गए तो बहुत से ऊँट ये कहने के इंतज़ार में होंगे कि आपकी पहली सफलता केवल एक तुक्का थी। ठीक है डियर फ्रेंड्स, इन्होंने ये बहुत ही अच्छी बात कही है। अगर आप पहले एग्जाम में फेल हो जाते हैं डियर फ्रेंड्स, तो आप सोचते हैं अब हम पास नहीं हो पाएंगे, और आप रुक जाते हैं अपनी प्रिपरेशन करने के लिए। तो आपको रुकना नहीं है, कंटिन्यू लगे रहना है, कंटिन्यू पढ़ते रहना है, क्योंकि बहुत सारे लोग तो आपको बोलने का इंतज़ार कर रहे होंगे कि इन्होंने जो पहला एग्ज़ाम दिया वो पढ़ के नहीं दिया है, तुक्का लगाया है। ठीक है, APJ अब्दुल कलाम जी का ये कहना है, और ये बिल्कुल सही कहना है। तो डियर फ्रेंड्स, आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए स्ट्रगल करते रहिए, और कंटिन्यू हमारे साथ यूँ ही बने रहिए। आपके लिए ऐसे ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं सारे, और
बार बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन है डियर फ्रेंड। तो आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, हैव ए नाइस डे।